अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। क्लास सिक्स के तमाम तलबा व तालिबात, आज उर्दू का अगला लेसन लेकर मैं आपको मुखातिब कर रही हूँ। तो आज आपका उर्दू की किताब में यह है पेज नंबर 26 पर अहम गज़ाई नेमतें। इसमें अल्लाह ताला की बहुत सारी वैसे तो नेमतें हैं जो हमारी गज़ा में शामिल होती हैं, लेकिन जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है, अल्लाह ताला का इरशाद आपने भी सुना होगा कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तो ग़िज़ाई नेमतों में यहाँ पे सिर्फ चंद का ज़िक्र किया गया है जो कि फ़वाद के लिहाज से और ग़िज़ाइयत के एतबार से हमारी सेहत और ज़िंदगी की बका के एतबार से बहुत अहमियत की हामिल हैं। इनमें सबसे पहले यहाँ दूध का ज़िक्र किया गया है कि दूध जो जानवरों से हासिल किया जाता है, ये आमतौर पर सबकी मरगूब ग़िज़ा होती है, बिलखसूस हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मरगूब ग़िज़ा थी। दूध के बहुत से फ़ायदे होते हैं, मसलन इसमें एक तो दूध में प्रोटीन और चिकनाई होती है और दीगर ग़िज़ाई अज्ज़ा होते हैं जो ज़िंदगी की बका और सेहत के लिए लाजमी हैं। दूध का फ़ायदा यह है कि ये याददाश्त को तेज़ करता है, थकावट को दूर करता है, जिस्मानी ताकत बरकरार रखता है, उम्र बढ़ाता है, ये इसके फ़ायदे हैं। अब दूसरी नेमत है यहाँ जो किताब में ज़िक्र की गई है, वो है दही। दही जो है दूध ही की खमीर शुदा शक्ल है। दही जो है ये अपने जायके की वजह से और फवायद के एतबार से बहुत मरगूब ग़िज़ा है। इसके फ़ायदे ये हैं कि इससे नशोनुमा होती है और बाल लंबे होते हैं, ताकतवर और मुलायम हो जाते हैं बाल। और दही से मुख्तलिफ चीज़ें भी बनती हैं, लस्सी, मक्खन और ख़ालिस देसी घी वगैरह, और ये तमाम चीज़ें बहुत मुफीद और सेहत बख्श होती हैं। तीसरी एक अहम नेमत का जो ज़िक्र किया गया है वो कुरान में भी ज़िक्र है, वो है शहद, जो कि शहद की मक्खियों से बनता है। शहद बराह रास्त खून में शामिल होकर इंसान को फ़ायदे पहुंचाता है, ये मोटापे का बेहतरीन इलाज है, तेजाबियत को दूर करता है, दिल को सुकून बख्शता है, आँखों और बिनाई के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर दूध और शहद का मशरूब बनाकर पिया जाए तो इससे दिल को ताकत और सुकून मिलता है और हाजमे के लिए भी ये बेहतरीन है। तो बच्चों यहाँ पर इन चंद नेमतों का ज़िक्र किया गया है जिनके लिए हमें अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए। अब मैं आपको उर्दू का होमवर्क दूंगी, जो कि जिसकी वीडियो आपको पिक्चर्स भेजूंगी, वो काम बिल्कुल उसी तरह आप करके यहाँ हमें कॉपियाँ पहुँचाइएगा ताकि हम चेक कर सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा बच्चों, अब मैं आपको इसका काम दिखा रही हूँ, अहम ग़िज़ाई नेमतें का। इसमें सबसे पहले आप अल्फाज मानी लिखेंगे, उसके बाद सवाल नंबर एक है, दो है, तीन है, और फिर उसके बाद ये सवाल नंबर चार है जिसमें इबारत की खाली जगह आपको मुनासिब अल्फाज से लिखनी है। फिर ये आपको खाली जगह हैं जिसमें आपको ये मुनासिब यहाँ पे जो अल्फाज दिए गए हैं इन्हें मुंतखब करके लिखना है, और उसके बाद अल्फाज की जमा है। बस ये आपका काम है, आप इसी तरह करके यहाँ काम ले आइएगा। पहला पेज भी और ये भी।